सो हेलो एवरीवन, तो आज हम स्क्रैच पे गेम बनाएंगे जो कि मैंने बना ही चुका हूँ एंड इसको प्लेएबल बनाएंगे क्योंकि ये खेली नहीं जाती जा सकती क्योंकि बहुत मुश्किल है। अभी मैं इस पर कुछ देख रहा हूँ कि इसकी स्पीड कैसे कम करें एंड इसमें न्यू न्यू लेवल्स यानी बैकग्राउंड को कैसे चेंज करें। सो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम लैप्स आएगा। सो एंजॉय द टाइम लैप्स। सो जो ये आप फुटेज देख रहे हो, ये मेरे को एटलीस्ट 1 आवर लगा था इसको बनाने में। सो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़। एंड इसमें मैंने बेसिकली पीछे बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज किया एंड थोड़े से और कोड ऐड किए ताकि ये प्लेएबल बन सके। सो एंजॉय द वीडियो। सोचा कि मैं बॉल को कलरफुल दिखाऊं पर वो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। सो आई डिसाइडेड टू चेंज द आइडिया एंड ट्राई टू डू दैट इफेक्ट ऑन द बैकग्राउंड। सो दैट्स व्हाट आई डिड। सारा काम हो ही चुका है एंड अभी मैंने सोचा कि उधर इंस्ट्रक्शंस भी दी जाए। ए से बैकग्राउंड चेंज होएगा एंड एस से रीसेट हो जाएगा। सो वो चीज़ अभी मैं इस पे क्लिप में आगे मैं बनाऊंगा एंड आपको प्रिव्यू देता हूँ कि वो कैसे बनाया है। सो देखो आगे। सो इस पार्ट पे सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था एंड आई वाज सो हैप्पी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी बस किया जाए एंड वीडियो को बंद किया जाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तब रात थी। एंड सो मैंने इसको बंद कर दिया पर मेरे से एक गलती हो गई जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी कि मैंने फाइल सेव ही नहीं की। My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. वो सब कुछ मेरे को फिर से करना पड़ेगा पर मेरे पास अभी के लिए एक मतलब पॉइंट हो चुका है कि मैंने ये कर लिया था, ये मैंने बना लिया था एंड मेरे पास वो प्रूफ है। तो उसको देख के मैं फिर से वही चीज़ बना लूँगा। एंड इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कभी भी अपनी फाइल सेव करे बिना कभी मत सोना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को एंड लाइक द वीडियो क्योंकि मैंने इस बारी पहली बार ही बहुत अच्छी मतलब एडिटिंग की है, नहीं तो मैं ऐसी मूव उठा के डाल देता था वीडियो। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू सून। सो तब तक के लिए बाय बाय।